आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पुलवामा फियादीन हमले के बाद भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर विपक्षी दलों के शूरवीर नेताओं के द्वारा लगातार सबूत मांगना एक बेहद निंदनीय परिपाटी की शुरुआत है। वैसे देश के अंदर और बाहर क्या हो रहा है, यह देश की जनता से लेकर सभी दल के नेताओं को जानने और समझने का अधिकार है। लेकिन भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद विपक्ष जिस मजाकिया लहजे में सबूत मांग रहा है, यह देश की सेना के पराक्रम पर एक तरह से हमला है। वोट की राजनीति, नेताओं की व्यवस्था, लेकिन राजनेताओं को अपने देश के सैन्य बल और उनकी कार्रवाई को लेकर किसी तरह का संदेह और भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जब वायुसेना के हमले को लेकर वायुसेना प्रमुख ने देश को यह बता दिया कि वायुसेना की बड़ी कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान के F-16 से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस वीर अभिनंदन ने बेहद पुराने पड़ चुके मारक विमान से उसे मार गिराया था। सेना प्रमुख के जवाब के बाद किसी तरह का सबूत मांगना सेना के मनोबल को कम करने की नापाक कोशिश है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहते हैं कि एयर स्ट्राइक का उन्हें सबूत चाहिए। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर एयर स्ट्राइक हुआ है तो सरकार सबूत दिखाए। तो वहीं मणि शंकर अय्यर और कपिल सिब्बल को भी सबूत की जरूरत है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि पाकिस्तान में अगर एक कौवा भी मरा हो तो भारत सरकार उसे सार्वजनिक करे। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही हैं कि बालकोट में हुए एयर स्ट्राइक का सबूत दिखाओ, कितने आतंकी मारे गए उसकी पूरी जानकारी दो। अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सेना की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। देश के कई और नेताओं को सबूत की तलब है, हद हो गई है राजनीति की। उधर ईरान पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, भारत पहले से युद्ध के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री दया की भीख मांगते हुए भारत से युद्ध नहीं लड़ने की मन्नत कर रहे हैं। इमरान खान भारत से हर मसले पर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते हैं। यह वक्त देश की तीनों सेनाओं के अलावा आंतरिक सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले को बढ़ाने वाला है। लेकिन कम पढ़े लिखे नेता और देश हित से इतर व्यक्तिगत और पार्टी हित की राजनीति करने वाले नेता देश की सेना पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मसला यही खत्म नहीं होता है, कश्मीर समस्या का असली समाधान भी इस कड़ी में करने की जरूरत है। जब राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे से अभी देश का ध्यान हट सा गया है, तो पहले सरकार को कश्मीर में लागू धारा 370 और 35 के लिए सभी विपक्षियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक काम करना चाहिए। शहीदों की शहादत पर राजनीति करने वालों को ना तो आने वाली पीढ़ी माफ करेगी और ना ही ईश्वर। इस वक्त सबूत मांगने वाले गैंग को सरकार की तरफ से करारा जवाब मिलना चाहिए। कई भारतीय नेता इमरान खान को बधाई दे रहे हैं, अब देशद्रोही की परिभाषा भी बदली जानी चाहिए। भारत को पाकिस्तान को निसंदेह सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उससे पहले देश के भीतर बैठे गद्दार और आतंकियों का सफाया पहले करें। सिटी पोस्ट लाइव के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। तो देखा आपने कि कैसे शहीदों की शहादत पर राजनीति हो रही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।